हाँ, और ये पेज नंबर 1। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर किए थे। सर नहीं रे, क्वेश्चन बोलना कौन सा वाले किए थे। एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो किए थे बहुत सारे हैं उस टाइम। वो पुली पे दोनों तरफ ब्लॉक वाला किए थे क्या। हेलो, ब्लॉक वाला किए थे क्या, दोनों तरफ ब्लॉक वाला। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो ये वाला एक एग्जांपल है, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो दरवाजा वाला किए थे अपन ने, दरवाजा बना के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लेके। हेलो, हाँ सर, हो गया था दरवाजा वाला, हो गया था। दरवाजे का ना जो आप बता रहे थे उसका टॉर्क। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो अभी। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये हमने एक डिस्क लिए मान ले, ठीक है, और इस डिस्क में यहां पर से मैंने एक स्ट्रिंग लिया इस तरह से, ये स्ट्रिंग लिया। हाँ, और फिर इस स्ट्रिंग में यहां पर एक ब्लॉक मैंने अटैच कर दिया। ऐसे ब्लॉक का मास कितना है, एम ब्लॉक का मास है। तो ये एक स्ट्रिंग है और ये एक डिस्क है। अब ये ब्लॉक को यहाँ पे आप छोड़ दोगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे गिरेगा, और ये रस्सी क्या होगी, अनवाइंड होगी। नाउ स्ट्रिंग इज अनवाइंड अनवाइंड विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप हुए ये स्ट्रिंग अब अनवाइंड होगी। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड जेड डैश है, और ये सपोज आपका डिस्क हो गया। डिस्क का मास सपोज 10 kg, इसकी रेडियस सपोज 20 cm। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे डिस्क का। डिस्क भी बोल सकते हो, फ्लाईव्हील भी बोल सकते हो, पुली भी बोल सकते हो, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर इस तरह का है आपका। अब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो मान लो ब्लॉक का जो एसिलरेशन है वो ये ए है, और इसके कारण ये जो डिस्क है ये रोटेट होगी, और रोटेशन के कारण इसमें जो एंगुलर एसिलरेशन आएगा वो कितना होगा, मान लो अल्फा होगा। और इस अल्फा के कारण यहां से अगर देखें अपन तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू आर। अभी हम फोर्सेस लिखते हैं इस पे, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, और नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, एमजी। और यहाँ पे ये पुली को रस्सी नीचे खींच रही विद द टेंशन फोर्स टी। तो ये टी फोर्स से इसको नीचे खींच रही है, और ये पुली क्या हो रही है, यहां पर रोटेट हो रही है। अभी समझ गया सिचुएशन, प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे देखा होगा आपने, दिस इज द सम प्रैक्टिकल सिचुएशन जिस पे ये पुली रोटेट होती है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना। समझ गया, जैसे पतंग उड़ाते टाइम जो घिरनी होती है ना उसकी, जिसपे हम रस्सी लपेट देते हैं फिर ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं और वो खिंचते जाती है और वो घूमते जाता है, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन हो गई यहाँ पे। अभी अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो ब्लॉक पे बेटा न्यूटन्स लॉ क्या आ जाएगा, नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई कर दें, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। और अभी इसके लिए लगाना न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इस पे टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखें डिस्क पे टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशन फोर्स यहाँ पे इस पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेट टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज
टेंशन फोर्स इनटू रेडियस। देखो टॉर्क की जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे पे, टॉर्क की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो ये टॉर्क के लिए, टॉर्क हमेशा किसके इक्वल लिखना हमें, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो यहां पे इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो मूवमेंट आर्म कौन सा हो गया आपका, ये डिस्टेंस आपका मूवमेंट आर्म हो गया ये, और फोर्स कौन सा हो गया टी। इसलिए जो फार्मूला आ गया टॉर्क का, दिस इज टी इनटू आर। और फिर अब हम न्यूटन सेकंड लॉ अगर यहाँ पे अप्लाई कर दे तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई जेड जेड डैश इनटू अल्फा। देखो ये न्यूटन सेकंड लॉ है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और ये न्यूटन सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन के लिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए और ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल्स टू आई जेड जेड डैश इनटू अल्फा डिवाइडेड बाय आर। अल्फा क्या है, एंगुलर एसिलरेशन है इसका, है ना। अभी ये एसिलरेशन और ये एंगुलर एसिलरेशन में आपस में रिलेशनशिप है। देखो ये ब्लॉक का जो एसिलरेशन है वो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एसिलरेशन भी है, यहां पर दिस इज टेंजेंशियल एसिलरेशन इस, और ये टेंजेंशियल एसिलरेशन किसके इक्वल आएगा, अल्फा इंटू आर के इक्वल आएगा। और ये टेंजेंशियल एसिलरेशन ब्लॉक का एसिलरेशन है, दिस इज इक्वल टू ए। तो फिर हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश, यहाँ पे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जेड जेड डैश, ये किसके बराबर लिख दूं, आई नॉट के बराबर लिख दूं, और ये है किसके बराबर, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर है, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय आर। सो इट इज ए डिवाइडेड बाय आर अपॉन आर, मतलब आई नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय कितना जाएगा आर स्क्वायर, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर टू। अब ये इक्वेशन नंबर टू को आप कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा, एम जी माइनस टी की जगह पे क्या आ गया, आई नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। और राइट साइड पे ले जा ले और रीअरेंज कर दें अगर हम, तो ये सॉल्व करने पे एसिलरेशन आ जाएगा आपका एम जी डिवाइडेड बाय आई नॉट प्लस, सॉरी एम एम प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा इसका एसिलरेशन आ जाएगा। तो अगर आपने एसिलरेशन फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ पे पुट कर दोगे अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे तो टेंशन फोर्स निकल जाएगा, मतलब सारे कैलकुलेशन अब आप इसमें कर सकते। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली रोटेशनल मोशन में न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो डिस्कशन यहाँ पे क्वेश्चंस पे हो रहा है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फिर अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Now page number two, this is page number two. Next है फिर mechanical equilibrium, mechanical equilibrium के question कैसे करना हमको, mechanical equilibrium क्या होता है, mechanical equilibrium, देखो अगर किसी body में इन अ बॉडी और इन अ सिस्टम, इन अ बॉडी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन उस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, देन बॉडी
इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो वो बॉडी कैसी आएगी यहाँ पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो फिर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और अगर नेट टॉर्क भी जीरो है किसी भी एक्सिस के अबाउट तो फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, समझ गए ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन इसके इस तरह से है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग का यूज करते हुए यहाँ पे एक रॉड को हमने इस तरह से अटैच कर दिए, ये एक रॉड है हाँ, दिस इज सम यूनिफॉर्म रॉड, रॉड का मास एम है और लेंथ कितनी है एल, और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हमने लगा दिए, दिस इज स्ट्रिंग वन एंड दिस इज स्ट्रिंग टू, और जो दूसरा एंड है यहां से ये कितने डिस्टेंस पे, एल बाई फोर डिस्टेंस पे, मतलब जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको आपने कितनी दूर पे रखा है दूसरे वाले एंड से, एल बाई फोर डिस्टेंस पे रखा। तो अभी ये जो रॉड है यहां पर देखो इस पे नेट फोर्स भी जीरो ना, तो इधर उधर मूव कर रही है, ठीक है, ये जैसी है वहीं पे रेस्ट पे है, तो ये रॉड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, नेट फोर्स भी जीरो है क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस अगर अपन देखें तो ये वाली स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स आएगा ये टी वन हो गया, ये वाली स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कितना हो गया, इट इज टी टू हो गया, ठीक है, और एक आ जाएगा इसका वेट, वेट कहाँ पे लगेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो वेट लगेगा यहाँ पे mg, तो ये तीन फोर्सेस इस पे लग रहा है, कौन कौन से तीन फोर्स होगा, ये वाले एंड पे स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स, ये वाले एंड पे स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स, और वेट हो गया किधर पे, mg नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स जीरो, देखो टेंशन और टेंशन t1 plus t2 किसके बराबर हो गया यहाँ पे mg के, तो इसपे नेट फोर्स भी जीरो है, मतलब ये पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है और दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो पहली वाली कंडीशन से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब आप इक्वेशन लिखोगे टी वन प्लस टी टू माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर हम बात करते तो यही है, तो यहाँ पे हम ये स्टेप इतना लिख के सीधा सीधा लिख दे टी वन प्लस टी टू इज इक्वल्स टू कितना है एम जी, मैं ये वाली स्टेप नहीं भी लिखता, ये हमारे दिमाग में रहता है, यहाँ पे ये कंडीशन हमारे दिमाग में थी तो हम सीधा सीधा ये लिखते कि भाई यहाँ पे T1 और T2, T1 plus T2 किसके इक्वल है, यहाँ पर mg के इक्वल है। फिर दूसरा आ जाएगा अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखो ये वाला जो एंड है, सपोज ये एंड है A, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे दूसरा स्ट्रिंग अटैच है पॉइंट B है, और एक तो सेंटर ऑफ मास है, तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, ये वाले एक्सिस यहां पर के अबाउट, तो टेंशन T1 यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सिस से पास हो रहा है, mg इसमें कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये T2 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो mg क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, या तो फिर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप देखते हो यहाँ पे तो T2 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और T1 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज, फिर से बैलेंस हो गए, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, ठीक है ना, या यहां पर के अबाउट अगर देखते हो यहां पर के, तो T2 का टॉर्क हो जाएगा जीरो, ये mg कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज और जो T1 है ये क्लॉकवाइज, फिर से आपके दोनों टॉर्क क्या कर देंगे यहां पे, बैलेंस कर देंगे। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी एक्सिस के अबाउट
दोनों के जो टॉर्क आएंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा, दिस इज फ्रॉम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, या फिर नेट टॉर्क अबाउट बी इज जीरो, या फिर नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो किसी भी एक्सिस के लिए जो नेट टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। तो चलो मैं ए पॉइंट के अबाउट या फिर इस पॉइंट के अबाउट अगर देख लें, पर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लूं, तो यहाँ पे इसके अबाउट अगर देखोगे तो एम जी कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, क्लॉक वाइज वाला, और ये टी टू कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क अबाउट ए बाय एम जी प्लस टॉर्क अबाउट ए बाय टी टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब आप इक्वेशन लिख रहे हो यहाँ पे, तो टॉर्क अबाउट ए बाय एम जी, तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस आएगा दिस इज एक्स वन, ये किसके बराबर रहेगा, एल बाई टू। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी, मूवमेंट आर्म आ गया यहाँ पे एल बाई टू इंटू एम जी, और ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे क्लॉक वाइज, प्लस दूसरा यहाँ पर देखोगे टी टू, तो टी टू का जो डिस्टेंस आएगा इतना, ये सपोज एक्स टू है और ये किसके बराबर होगा, इतना एल है, एल में से एल बाई फोर चला गया, एल माइनस एल बाई फोर, तो ये बचेगा थ्री एल बाई फोर। तो दूसरा वाला जो मूवमेंट आर्म है ये है थ्री एल बाई फोर और फोर से टी टू, और ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर के अबाउट, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये बन जाएगा एंटी क्लॉक वाइज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो एक है क्लॉक वाइज और एक है एंटी क्लॉक वाइज, तो आपको एक को प्लस मान लेना है और एक को क्या मान लेना है यहाँ पे, माइनस मान लेना है। तो एक को प्लस मान लोगे और एक को माइनस, मतलब आ जाएगा एल बाई टू इंटू एम जी इज इक्वल टू थ्री एल बाई फोर इंटू टी टू। तो एक एल से एल कैंसिल और टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी टू की वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी, दिस इज एम जी टू एम जी बाई थ्री, टी टू की वैल्यू निकल के आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, टी टू की वैल्यू, चलो ये यहाँ पे थोड़े सा कंजस्टेड हो गया है। तो ये जो लास्ट वाली स्टेप आ रही है, ये बिल्कुल लास्ट वाली, अभी स्पेस का स्क्रीन शॉट लो पहले, मैं यहाँ पे मिटा के लिख दूंगा, स्पेस का स्क्रीन शॉट ले लो, या एक मिनट यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ज्यादा स्पेस है। ठीक है, देखो ये है क्लॉक वाइज और ये है एंटी क्लॉक वाइज, तो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो या फिर इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई टू इंटू एम जी इज इक्वल टू किसके बराबर, थ्री एल बाई फोर इंटू टी टू। मैंने माइनस का साइन नहीं लिया जब इसको ट्रांसपोज कर दिया हमने, क्यों, तो एक को यहाँ पे प्लस ले लोगे और एक को माइनस ले लोगे, क्योंकि एक क्लॉक वाइज है और एक कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ पर आप ये वाले को क्या ले लेना, प्लस ले लेना, और ये वाले को क्या ले लेना, माइनस ले लेना, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हमने सीधा सीधा ये लिख दिया। अभी यहाँ पर देखोगे एल से एल कैंसिल हो गया और ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर हो गया, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे, टी टू इज इक्वल टू इट इज टू एम जी बाई थ्री, और देखो टी वन प्लस टी टू ये किसके इक्वल था, हमारे पास में एम जी के इक्वल है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर से थी और एक वैल्यू आपकी ये निकल गई टी टू की, तो टी टू निकल गया आपका टू एम जी बाई थ्री, तो आप टी वन भी निकाल सकते हो। तो आप इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर आपका जो T1 है, T1 will be mg by 3 और T2 किसके बराबर आ गया, 2mg by 3 के, मतलब ये वाली स्ट्रिंग पे ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है और ये वाली स्ट्रिंग पे कम टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन होते इस तरह के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाले, समझ गए कि नहीं, समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Done, sir. आगे बढ़ते अपन ना पेज नंबर थ्री पे आते, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, पेज नंबर थ्री पे दिस इज पेज नंबर थ्री,
इसी पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं क्वेश्चन में मैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ये बना दिया मैंने यहां पे कि वही ये क्वेश्चन सेम है। ये यहां पर हमने एक स्ट्रिंग लिए, फिर एक रॉड को ऐसा अटैच कर दिए स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक है। ये स्ट्रिंग 1 है और एक स्ट्रिंग यहां पे लगी हुई है, कहीं पर भी लगा सकते हो। दिस इज स्ट्रिंग 2। रॉड का मास m और लेंथ l है, तो ये वाला पॉइंट हो गया a यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि इफ स्ट्रिंग 2 इज कट देन फाइंड एंगुलर एसिलेशन ऑफ रॉड अबाउट ए। जैसे इस स्ट्रिंग को आप कट करोगे, ये वाली स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग 2 को आप जैसे ही कट करोगे, आपको इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, यहां पे एंगुलर एसिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इस पे देखो जो सेंटर ऑफ मास है यहां पे, mg कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना। यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, दिस इज T1। एक फोर्स यहाँ पे आ गया, इट इज T2। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग 2 को काटोगे, कौन सा फोर्स तुरंत जीरो हो जाएगा, विच फोर्सेस बिकम्स इमीडिएटली जीरो। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को काटोगे तो कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, T2 तुरंत खत्म हो जाएगा और सिर्फ कौन सा बचेगा, अब यहाँ पे T1 बचेगा। मतलब ये जो रॉड है ये इस तरह की हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई लूज आपकी, है ना। ये स्ट्रिंग को आपने काट दी, ये लूज पड़ गई यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन फोर्स है T1, ये एंड है A, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इमीडिएटली। तो ये कंडीशन कब की, दिस इज जस्ट आफ्टर कट, आपने जैसे ही कट किए तब की, और ये वाली कंडीशन तो पहले की है, कट करने के पहले की। तो जैसे ही आप कट करोगे सेकंड वाली स्ट्रिंग को, आपने कैंची से कट कर दिया, क्या हो जाएगा, जो टेंशन फोर्स T2 है ये तुरंत जीरो हो गया, और ये जीरो होने के कारण अब ये रॉड ऐसी घूमेगी, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड का ये एंगुलर एसिलरेशन आएगा, ठीक है। अब इस एंगुलर एसिलरेशन को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगुलर एसिलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम टॉर्क निकाल लेते कि भाई ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल्स टू मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, यही फार्मूला है। तो यहां पर के अबाउट देखो, फोर्स कौन सा लग रहा है, एमजी, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये मूवमेंट आर्म हो गई यहां से लेकर यहां तक की, दिस एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई टू। तो मूवमेंट आर्म कितना हो गया, एल बाई टू, और फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। तो आपने क्या निकाल लिया यहां पर, टॉर्क आपने फाइंड आउट कर लिया कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज एल बाई टू इंटू mg, दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कर दोगे, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दोगे। तो अब आप यहां पे अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हो, तो देन न्यूटन सेकंड लॉ, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल्स टू आई ए ए डैश इनटू अल्फा, है ना। तो टॉर्क आपने निकाल लिया है, इट इज एमजी इनटू एल बाय टू। अब रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस इज ml स्क्वायर बाय 3। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता बेटा रॉड का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लो अच्छे से, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बिना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नहीं होंगे। तो रॉड का एक एंड के लिए
जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। तो यहाँ पर अब आप इसमें इक्वेट कर देना एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू निकल गई 3g/2l। तो ये 3g/2l आ गया। और अगर आपको इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये इसके इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई टू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस किसके बराबर है एल बाई टू। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अल्फा इंटू आर, और अल्फा की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आर किसके बराबर आएगा यहाँ पर एल बाई टू के इक्वल रहेगा। तो ये इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। देन अब पेज नंबर 4 पे आते हैं हम। Now this is page number 4. Now this is page number 4. फिर से क्वेश्चन अपन आते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन ये ले लिया मैंने यहाँ पर कि ये एक वर्टिकल वॉल है ऐसी, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है बट इट इज स्मूथ, इसको मैंने स्मूथ ले लिया और ये रफ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल है। अब इसमें यहाँ पर मैंने एक लैडर ले लिया ऐसी, ये लैडर यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है, दिस इज द लैडर, ठीक है, ये एक लैडर यहाँ पर रखी हुई है ऐसे, ठीक है, दिस इज एनी लैडर, इस लैडर को आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो ये वर्टिकल वॉल हो गया एंड रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, लैडर का मास m है और लेंथ l है, दिस इज द लैडर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर b। अभी देखो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है। नाउ लैडर इज एट रेस्ट, लैडर इज एट रेस्ट, ये लैडर यहां पर रेस्ट पे है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं अगर हम उनको देख लें, तो बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर ऑफ मास पे क्या जाएगा mg, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन n1, यहां पर का नॉर्मल रिएक्शन n2, और देखो इसकी टेंडेंसी इधर फिसलने की है, तो यहां पे क्या लगेगा, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ, एंड ओवरऑल ये जो लैडर है ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है मतलब ये लैडर यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे है, सो दिस लैडर इज एट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं यहां पर, इसको मैं आगे तक प्रोड्यूस कर दूं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, तो नेट फोर्स भी जीरो एंड नेट टॉर्क भी जीरो, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, नाउ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो अभी देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, एंटू, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अगर आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए Fs स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है n2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फिर n1 किसके इक्वल है यहां पर mg,
ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो एन वन इज इक्वल टू एम जी, ये वाला नॉर्मल एन वन की वैल्यू एम जी है और एफ एस की वैल्यू एन टू है। तो अभी हमें एन टू के बारे में नहीं पता कि कितना है। तो अब ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हो गया, अब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दो। नाउ नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अब आप कैलकुलेशन कर लो, या तो इस पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क निकाल लो, या फिर इसके अबाउट नेट टॉर्क निकाल लो, या यहां पर के अबाउट। लेकिन हम टॉर्क की वैल्यू को जीरो उस पॉइंट के लिए करें जहां पे आपको कैलकुलेशन कम करने पड़े। अगर मैं यहां पर के लिए कैलकुलेशन लेता हूं तो एन वन और एफ एस दोनों आ जाएंगे और एन टू भी आ गया, तीन तीन फोर्स आ गए। यहां पर के लिए देख रहे हैं तो भी तीन फोर्स है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालूं तो एम जी और एन टू बस बचते हैं, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सपोज ये एंगल थीटा डिग्री का है। So now net torque about A is also equals to zero. तो इस point के about torque देखो, mg कैसा torque produce कर रहा है, clockwise, और n2 कैसा कर रहा है, anti clockwise। मतलब आपकी जो equation आएगी net torque about A by mg and plus net torque about A by n2, इनका sum कितना होगा, zero। और mg का जो टॉर्क है ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज यहाँ पे, और n2 का टॉर्क कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एक को प्लस ले लोगे, एक को माइनस ले लोगे। मतलब मैं सीधा सीधा लिख दूं, टॉर्क अबाउट a बाय mg इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट a बाय n2। ठीक है, टॉर्क अबाउट a बाय mg किसके इक्वल है, टॉर्क अबाउट a बाय n2 के इक्वल है। और अब आप कैलकुलेशन अगर करते हैं तो mg के लिए जो टॉर्क आएगा बेटा, यहां से ये मूवमेंट आर्म रहेगी, देख फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां तक गई, तो ये वाले पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है ये मूवमेंट आर्म कहलाएगा। देखो टॉर्क के लिए हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म इनटू किसके इक्वल होता है, टॉर्क के लिए फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स, बस यही फार्मूला लगेगा हमेशा टॉर्क के लिए, मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स। ठीक है, मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है, मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स, ये ऊपर हो गया लिख के। ठीक है, मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क हमेशा किसके इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। आर परपेंडिकुलर मतलब मूवमेंट आर, इनटू क्या करना, फोर्स करना। तो अगर पॉइंट ये है, यहां पर से एक्सिस गया ये वाले पेन के पास, यहां से अगर एक्सिस जा रहा है तो मूवमेंट आर्म, देखो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और मूवमेंट आर्म ये बन जाएगा। तो मूवमेंट आर्म सपोज कौन सा हो गया, एक्स, तो इक्वेशन आएगी एम जी इंटू एक्स, या फिर एक्स इंटू एम जी। ठीक है, दिस इज एक्स इंटू एम जी। और जब आप n2 के लिए टॉर्क निकाल रहे हो तो ये n2 की लाइन ऑफ एक्शन सीधे सीधे ऐसी जा रही है, तो ये मूवमेंट आर्म रहेगी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसका यहां से यहां तक का ये y हो गया और इतना डिस्टेंस हो गया x। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क में इस फोर्स के लिए ये मूवमेंट आर्म कहलाएगी y, तो इट इज y इनटू n2। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, हम x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है आधा, ये l by 2 क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे वेट लगेगा, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज कर लें तो cos theta is equals to x divided by l by 2, या x की वैल्यू आ जाएगी l by 2 cos theta। और y की वैल्यू अगर आपको निकालना, ये टोटल लेंथ है, तो sin theta is equals to किसके बराबर जाएगा, y divided by l, so y is equals to l sin theta। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, this is l by 2 cos theta into mg, और y की वैल्यू है l sin theta into n2। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, और n2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहाँ पे, n2 will be mg, this is cot theta into mg upon 2। तो
एन टू की वैल्यू निकल गई कॉट थीटा इंटू एम जी बाई टू, और फिर अब आप एन टू की वैल्यू निकल गए तो ये एन टू ही स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन वन ऑलरेडी किसके बराबर पता हमें वहां पे एन जी के बराबर है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से कर लोगे, समझ गए कि नहीं, समझ गए कैलकुलेशन, हेलो कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, हेलो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,